आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाने के लिए एनडीए के सभी दल एकजुट हुए। सबों ने बिहार में 40 की 40 सीट जीतने और भागलपुर से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को जिताने के लिए कटिबद्ध संकल्प लिया। सबों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास कार्य को बताने की योजना बनाई है, ताकि एनडीए एक तरफा भारी बहुमत से जीते और फिर से भागलपुर में एनडीए की जीत हो। इस कार्यक्रम में एनडीए के सभी घटक दल एवं उनके पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि वे फिर से 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। जो बैठक में पार्टी एनडीए का जो एजेंडा है, एनडीए का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा, विरोधियों को परास्त करते हुए पूरे देश के अंदर हमें 400 सीट प्राप्त होगा, इसकी बैठक है। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 2 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं और अपने सारे पदाधिकारियों से, सारे भागलपुर की जनता से आग्रह करने आए हैं कि अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2 तारीख को आकर के हमारा नॉमिनेशन करा दीजिए और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी बनाइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। पूरे समर्थन मिल रहा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी नहीं, महापूरी कहिए, ये तो पूरी कम बुझाएगा, महापूर्ण पूरी समर्थन है। अरे जो कि कहा नहीं जा सकता है, वहाँ हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का पूरी पूरी समर्थन है, कहीं कुछ कम नहीं। नॉमिनेशन में कौन कौन आ रहे हैं सर? नॉमिनेशन में अभी तो नेता तय करेंगे ना, उसमें हमें क्या तय करना, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पंचवर्ष पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मिल करके तय करेंगे। नीतीश जी से अगर मुलाकात हुई आपके, सम्राट चौधरी से क्या कुछ मुलाकात हुई? अब वो बात जो हुई तो अंदर की बात है, बाहर कैसे निकाल सकते। सबों ने मिल सबको हम आग्रह किया, मेरे यहाँ आइए, मैं इसके लिए गया था और उन्होंने मुझे रणनीति में लड़ने के लिए, चलने के लिए बताया कि इस नीति से चलना है। और 2 तारीख को, 2 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा माननीय अजय मंडल जी के द्वारा। उसी उद्देश्य से आज राजग गठबंधन के तमाम साथी, भारतीय जनता पार्टी, हम, रोजपा, आरएलजेएम और जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, जिला कमेटी के सम्मानित सदस्य और तमाम प्रखंड के आए हुए तमाम प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी आज संयुक्त रूप से आए हैं। और मैं आपके माध्यम से आग्रह और अपील भी करता हूं पूरे भागलपुर लोकसभा के सम्मानित जनता से कि सब लोग 2 तारीख को नॉमिनेशन में आवें और माननीय सांसद अजय मंडल जी के हाथों को मजबूत करें। 5 बच्चे की मां को उसके पति ने मोबाइल पर किसी अन्य लोगों से बात करने से रोका और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद दूसरे लोगों के मोबाइल पर बात करने का विरोध किया तो महिला अपने 5 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। महिला कई दिनों से गायब है। सूचना को लेकर उसके पति एसएसपी के कार्यालय पहुंचे, साथ ही बताया कि इसकी शिकायत नौगछिया स्थित इस्माइलपुर थाने में की, लेकिन वहां कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, उल्टे मुझे वहां से डांट डपट कर भगा दिया गया। पीड़ित पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे कई दिनों से अपनी पत्नी पर शक था कि वो मोबाइल पर किसी से बात करती है, बस इसी का विरोध किया और मोबाइल छीन लिया था। मेरी पत्नी तकरीबन 15 दिनों से घर से गायब है। हम लोगों ने आस पड़ोस के साथ साथ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। मामला भागलपुर के नौगछिया स्थित इस्माइलपुर का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। सर, मेरे 6 तारीख से लापता है मेरे पत्नी के। सर, सगर आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं किया सर, इसीलिए सर के पास आए हैं। थानों में आवेदन दिया सर, कोई सुनवाई नहीं किया, मोटा उठ के भगा दिया सर। सर, जितना संबंधी सर, हम खोज के थक गए, जहाँ गए वो बोलता है यहाँ आईवे नहीं किया है जी। मामला यही बात है, दोनों दिन में बतावती हुआ था, 2 दिन के पहले साढ़ हुआ जाता मेरे कल, तो दोनों बितनी में बतवास हुआ था, तो मेरे बतवास हो के दो पत्नी में झगड़ा झंटे हुआ, तो 2-3 थप्पड़ लगाए, दवा से आके इलाज किए, ठीक हुआ। 2 दिन के बाद वो मैं काम करने गए, दूसरे को घर में नहीं थे, मेरा पिताजी था, पिताजी भी घास करने गया, बताया नहीं। 4 लड़की था, बाबा जी बोला पूछे समझा के, तो 2 लड़की को लेड़ा भेजा दिया और 12 साल के लड़की, 2 साल के संग में पत्नी और 2 बच्चा लेके सर घर से निकल गया। क्या शक लग रहा? मेरा शक लग रहा है सर कि साढ़ू आने के बाद मेरा विवाद जब पत्नी में हुआ, तो इतना दिन से नहीं भागा, तो आने के बाद भागा, मेरा शक लगता है कि झगड़ा झंटी हुआ, हम मोबाइल लिए और नई मोबाइल देने के कारण उसी दिन कब्जा किए, इसलिए हो सकता नंबर आद हो। बाद में कॉल किया करके, मेला का टाइम था, भोला बाबा का, हम काम करने गए, सुने में बुला के आगे से उठा लिया होगा,
मतलब सारू लेकर? हाँ अभी कहाँ आए? अभी आए हैं सर, यहाँ आए हैं अश्विन साहब के पास। अच्छा, मोबाइल छीन लिए इसीलिए भाग गए? मोबाइल छीने नहीं, हमको शक हुआ बात बात में हो सकता कहीं फोन घुमा दे, इसलिए मोबाइल लिए। मोबाइल नहीं दिया तो दो तीन थप्पड़ लगाए, इसीलिए से दो इलाज भी किए, दो दिन ठीक हुआ। और दो दिन ठीक के बाद ये घर से निकल गया। मोबाइल छीने इसलिए भाग गई? हाँ हाँ, मोबाइल लिए तभी तो भागा। सबौर प्रखंड के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां बिजली विभाग ने पूरे फतेहपुर मोहल्ले की बिजली काट दी, जिससे लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। लोगों में हाहाकार मच गया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में ना तो किसी के घर में चापाकल है और ना ही समरसेबल, लोग पानी के लिए तरसने लगे हैं। पूरा इलाका अचानक अंधकारमय हो गया है। इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका अभी रमजान का त्यौहार चल रहा है। आक्रोशित फतेहपुर के लोग सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। वहां के लोगों ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जब बात बिजली विभाग से पूछी गई तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ कि इस क्षेत्र के लगभग सभी घरों में बिजली का बकाया बिल चुकता नहीं किया गया है, इसलिए बिजली विभाग के आदेशानुसार पूरे क्षेत्र की बिजली काटी गई है। हालांकि जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की बातचीत से फिर से बिजली बहाल हो गई है। यह समस्या था कि बगैर सूचना दिए हुए विभाग आके काट दिया फतेहपुर पंचायत के टंकी का पानी का, जो कि रमजान का दिन है। रमजान के दिन में लोग हाहाकार पानी के लिए लोग तरस रहा है, दूसरे तीसरे के यहाँ से लेके जा रहा, कोई लेने भी नहीं देता है। बड़ा बड़ा लोग है, 60% के घर में पानी नहीं है, जो कि बहुत तरह से पानी के लिए लोग जूझ रहा है। इसलिए अनिकेत यादव आए और हम लोग के सहयोग से मिलकर के वो पानी की बिजली को लगवाया, जो कि शाम तक में देखिए पानी चलता है या नहीं चलता है। कब कटी थी बिजली? बिजली कल दो करीब सवेरे ही कटा हुआ, दो ढाई बजे कल बिजली काटा है। अभी के बाद से कोई सूद लेने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया, न कोई मुखिया आया, न कोई सरपंच आया, न कोई प्रतिनिधि आया। काफी कठिनाई होगी? काफी कठिनाई हुआ जी? काफी कठिनाई हुआ? बहुत इतनी कठिनाई की कल से हाहाकार मचा हुआ पानी के लिए, अपना दूसरे तीसरे के यहाँ बहुआ रहा पानी के लिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
कहने को तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्य भी सीमित जगह पर हो रहे हैं। मानो स्मार्ट सिटी शहरवासियों के साथ दिखावा करने का काम कर रही हो। हालांकि कुछ जगहों पर स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्य काफी सराहे जा रहे हैं, जैसे सैंडिस कंपाउंड का सौंदर्यकरण, टाउन हॉल भवन, सड़कों का चौड़ीकरण। लेकिन उसके अलावा पीने के पानी की सुविधा में भारी गिरावट देखी जा रही है। जिस एजेंसी को पानी की सुविधा के लिए काम पे लगाया गया है, उस एजेंसी के विरोध में लोग एकजुट होकर मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। लोगों ने कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि बने हुए सड़क तोड़ दिए जाते हैं जो बाद में गड्ढे और नाली में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं रहता। जब स्थानीय लोग इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हैं तो एजेंसी इस पर कार्य करवाती है। वहीं भागलपुर के सभी गली मोहल्ले की सड़क इस कंपनी के चलते जर्जर स्थिति में आ गए हैं, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा। इसी को लेकर भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में जमकर लोगों ने बवाल काटा और कहा कि सड़कें दुरुस्त कराई जाए और पेयजल की सुविधा जल्द से जल्द बहाल की जाए। पाइपलाइन को बिछाने के कारण वो काटा, काटने के बाद जो है सिर्फ मिट्टी भर के भाग गया है और उसके बाद उनका आदमी गिर रहा, पड़ रहा है। पर्व का समय है, ईद को क्या बोले 10-12 दिन ईद को बचा है। किस तरह से आदमी चलेगा, बूढ़ा आदमी, जवान आदमी, मेहमान आएगा, किस तरह का बोले इसी का विरोध है कि पाइप इंडिया वाले का कहना, हम लोग का कहना, सबका यही कहना है कि काटा है तो उसको रोड बना दिया जाए। पार्षद को बोले हैं आप? पार्षद को कहा गया, मगर पार्षद से जो है वो बोला कि ठीक है, हम आगे जो है बात नगर आयुक्त तक पहुँचाएंगे। रोड चूर दिया है, एक पाइप नहीं बल्कि दो दो पाइप घुसाया, उसमें चिप्पी लगा रहा, तो कैसे जाएगा आदमी? कल दो बच्चा गिर गया है, नमाज पढ़ने जाती है दिक्कत होता है, कैसे आदमी रहेगा? पार्षद को भी लिख के दिए, पार्षद भी सुनवाई नहीं किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रोड तोड़ा, रोड बना के दीजिए। पाइप टूट गया रोड के कारण, उसके पूरा पानी नहीं जा रहा घर में, कितना लेडीज लोग को दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग का रमजान का समय है, रोजा रखे रहता है, काफी परेशानी में सब रह रहा है, कैसे रहेगा अभी? रोड को तो काट, रोड की स्थिति बहुत हो गई, दुर्दशा हो गई है और जनता भी बहुत परेशान है। हमारे घर पे भी लोग आकर के आक्रोश करते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं रही हैं। अब मैंने तो लिखित में भी आवेदन दिया है नगर आयुक्त महोदय को और उप महापौर महोदय को भी। बस मेरा अनुरोध है कि नगर आयुक्त सर और महापौर महोदया इस बात को ध्यान में रखते हुए पेन इंडिया वाले से अच्छे तरीके से काम कराएं ताकि वहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो। और अभी हाँ, ईद का माहौल है, ईद का पर्व है, अब समय ही बहुत कम है। अगर इस काम पर नगर आयुक्त महोदय अगर ध्यान दे दें तो जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के SS बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य गेट के समीप रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान स्थिति में छात्रा का शव बरामद हुआ। छात्रा के सर पर गंभीर चोट के निशान हैं। परिजनों की माने तो मृतका 6 सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर गई हुई थी। तय समय पर घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद गाँव वालों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान रेल से कट कर उसकी मौत हो गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की, जिसके बाद परिजन दहाड़ मार कर रोने लगी। मृतिका की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की रामपुर खुर्द निवासी 17 वर्षीय मानसी कुमारी के रूप में की गई है। मानसी रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर जाती थी, शुक्रवार को भी अहले सुबह गई थी। वापस लौटने के दौरान भागलपुर से जमालपुर की ओर जा रही लोकमान तिलक टर्मिनल ट्रेन की चपेट में आ गई। कुछ न बताया, क्या कुछ न कोचिंग गई थी, क्या नाम है उसका, कौन है तुम्हारा, कौन है बाबू? मेरी बहन। कितने बजे घर से निकली थी? 6 कहाँ के लिए? कोचिंग के लिए। तुम्हारा क्या नाम है? नाम खुशी कुमार। पापा का? गेदारी से। गेदारी से। घर? हे भाई ले आयो दौड़े के। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत के पैन गांव स्थित अखाड़ा धाम हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित 7 श्रीमद् भागवत कथा सह सप्तपरायण महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में हजारों महिला पुरुष एवं युवतियों ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा पैन गांव के अखाड़ा धाम हनुमान मंदिर प्रांगण से निकलकर महिलाएं युवतियां अपने माथे पर कलश लेकर अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने कलश में गंगा जल भरकर पुनः पैन गांव के पैदल यात्रा करते हुए प्रस्थान किए। इस यात्रा में दर्जनों घोड़ा गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते नगर भ्रमण करते हुए कलश को यज्ञ स्थल पर लाया गया। लाए गए कलश के जल से यंग मंडप का शुद्धिकरण कर कलश को स्थापित किया गया। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं युवतियां युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग हाथों में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम का नारे लगाते चल रहे थे।